नमस्कार, वेलकम टू अनबॉक्सिंग इन हिंदी। अनबॉक्सिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं सैंडिस्क की ये एक पेन ड्राइव। देखिए, मैंने पहले ही लुक में ये पेन ड्राइव इस तरह की देखी और मैंने बिना ही कुछ पढ़े, बिना ही कुछ लिखे इसको ऑर्डर कर दिया। ये 256 GB के वेरिएंट वाली है। ये हमें 1700 से 1800 रुपये की रेंज में मिल जाती है। इसकी कुछ डिटेल्स आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, बाकी कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब पेन ड्राइव्स के साथ मेरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या रहा है कि मैं मतलब मेटेलिक जो मेटल वाली होती है पेन ड्राइव्स, वो ज़्यादा परचेज करता हूँ। और मैंने भी इसकी लुक देख करके ऐसे ही सोचा कि यार ये मेटल वाली होगी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, यहाँ निकल गया मेरे भाई, हाँ, तो ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ही चीप प्लास्टिक महसूस होता है यार। ये मतलब कमाल है, इतना चीप प्लास्टिक कैसे यूज़ कर सकती है कोई पेन ड्राइव कंपनी। मुझे मतलब बहुत ही अजीब गरीब लगा, क्या 20-50 रुपये स्टील का नहीं लगा सकती है? फोकस कर ले यार, ये कैनन वाले भी क्या कर रहे हैं। ये देखो, बहुत ही चीप प्लास्टिक, मतलब आवाज़ ही सुन के महसूस होगा कि यार क्या है ये। अब मैंने देखा प्लास्टिक वाले जो पेन ड्राइव्स होती है उनका यहाँ से जो ये हिस्सा है वो टूट जाता है। अब मैंने तो ये इसलिए परचेज किए थे क्योंकि इसका ये यहाँ जो ऑप्शन है ना, वो ऐसा लग रहा है कि हम इसको कीज वगैरह में डाल सकते हैं। यहाँ पर टाइप सी मिल जाता है आपको, सीधा फ़ोन में लगाइए और अपने फ़ोन को खाली कर लीजिए। इसके अंदर डेटा 256 GB काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर टाइप सी अपना वो वाला है USB वाला, तो लैपटॉप में लगा करके तुरंत कॉपी कर लीजिए। अब जैसे ही मेरे हाथ में आई यार, मेरे को इसकी फील काफ़ी गंदी लगी। मतलब ये प्लास्टिक होने से मुझे बहुत ही गंदा सा फील हुआ। चलो, वो गलती मेरी थी क्योंकि मैंने इसको रीड नहीं किया इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे पढ़ना चाहिए था कि ये प्लास्टिक में है या क्या है, क्योंकि इसकी लुक एंड फील इन्होंने मेटलिक बना रखी है, मेटल वाली सी बना रखी है। तो यार ये मैंने सोचा कि इसको ख़रीद लिया जाए। अब बात आती है, इसको स्पीड टेस्ट करेंगे इसकी, और परचेज़ करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, काफ़ी अच्छा बताया गया इसके अंदर कि आप इसको मोबाइल में और लैपटॉप में दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ इसको अब बताया गया, डुअल ड्राइव गो USB टाइप सी पेन ड्राइव फॉर मोबाइल 2 लिखा हुआ है। अब ये 2 का क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आया। तो इसको हम लोग जब वो टेस्ट आउट करने वाले हैं, इसकी स्पीड कैसी है, क्या है। और 256 GB वाला वेरिएंट है, आप परचेज़ करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। काफ़ी सारे इसके वेरिएंट्स आते हैं, मेरे ख्याल से 1 TB तक भी आ रही है अभी, तो ये तो परचेज़ कर सकते हैं। और मेरा एक बैड एक्सपीरियंस पेन ड्राइव्स के साथ रहा है यार, ये पता नहीं पल फॉर्मेट्स मांगने लग जाती है, ऐसे फॉर्मेट कर दो। ऐसा कभी होता है ना डेटा, तो फिर रिस्क हो जाता है डेटा का। तो अभी के लिए स्पीड आप देख सकते हो आपके सामने, इसकी स्पीड जो वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई फाई तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है इसकी स्पीड। इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो आपके सामने देख सकते हो आप लोग, हमारे को 232 GB इसके अंदर स्पेस मिल जाता है। और कॉपी कर रहे हैं हम लोग डेटा, तो आप स्पीड देख सकते हो यहाँ पर कभी 75 MBPS भी जाता है, तो कभी 40 MBPS, कुछ इस तरह की स्पीड हमें मिल रही है। हम लगभग 11-12 GB का डेटा कॉपी कर रहे हैं। रीड स्पीड काफ़ी अच्छी थी, हमने डेटा वापस कॉपी करके देखा तो वहाँ पर जब वो 700 MBPS तक जा रहा था, लेकिन इसकी राइट स्पीड काफ़ी कम लगी हमारे को। अब हम लोग USB वाले सेक्शन से भी देखते हैं, USB साइड से। अभी तो हम लोग चेक कर रहे थे इसको टाइप सी के जरिए। USB में भी 70 और 40 MBPS के बीच में वेरी कर रही है, और स्पीड ऑलमोस्ट वही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लो जी, क्रिस्टल डिस्क इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वाली अनबॉक्सिंग इस पेन ड्राइव की अच्छी लगी थी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके दबा लीजिए ताकि ऐसी ही अनबॉक्सिंग और हम लोग आपको देते रहें। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके दबा लो। और परचेज करना चाहो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या चैनल के आइकन पर क्लिक करके अबाउट में जाकर के एक शॉपिंग लिंक मिल जाएगा स्पेशल इसके लिए।